स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यस रवि केमिस्ट्री क्लासेस में। लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द गैल्वेनिक सेल। ओके, गैल्वेनिक सेल में जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, उनका पोटेंशियल हमें डिटरमाइन करना है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही हमें पता नहीं होगा तो हम सेल पोटेंशियल डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सेल पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता होना जरूरी है। पोटेंशियल का मतलब आप सभी को पता है, इट इज द लेवल ऑफ चार्ज या लेवल ऑफ एनर्जी, किसी को भी आप पोटेंशियल कह सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है एक लेवल, लेकिन यहां पर हमें जो देखना है तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों होता है, यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए, हाफ सेल इलेक्ट्रोड डेफिनेटली, एनोड है और कैथोड है। तो आप यहां पर एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि एनोड पर क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। सभी को पता है एनोड जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दोनों भी जो आयन्स होते हैं, कैटायन हो मतलब पॉजिटिव आयन हो या फिर निगेटिव आयन हो, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल होते हैं, पॉजिटिव आयन भी और निगेटिव आयन भी। कैथोड में भी वही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो होते हैं तो दोनों भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअली मेटल हम यहां पर इमर्स करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोड हम उसको इमर्स करते हैं, तब क्या होता है, क्योंकि यहां पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम सभी को पता है द प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो जब हम ये मेटल, अभी हम एनोड के बारे में डिस्कशन करते हैं, जब मैं ये एनोड यहां पर डिप कर रहा हूं, ठीक है, तो डिप करने के बाद में क्या होता है, तो डिप करने के बाद में यहां पर जो मेटल है तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है कैटायन में मतलब पॉजिटिव आयन में ऑक्सीडाइज होता है बाय लिविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोड पर ही छोड़ देता है वो, और जो मेटल आयन है वो सॉल्यूशन में एंटर करता है। एज इलेक्ट्रॉन्स आर लिव ओके लेफ्ट ऑन द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रोड पर ही रहेंगे, इसीलिए इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा बेसिकली, ठीक है। और सॉल्यूशन के अंदर जो मेटल आयन है मतलब कैटायन है उनका जो नंबर से या फिर कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ जाएगा। और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप देख सकते हो कि यहां पर पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है, एंड दिस इक्विलिब्रियम क्रिएट्स द पोटेंशियल। यहां पर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल क्रिएट करेगा, लेकिन ये जो पोटेंशियल होगा ये पोटेंशियल कौन सा होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। मतलब कहां पर, इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड को ही हमें कनेक्ट करना है, सॉल्यूशन को नहीं करना है। तो इलेक्ट्रोड पर कौन सा पोटेंशियल क्रिएट होगा, निगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, और निगेटिव पोटेंशियल एनोड पर ज्यादा ही होना चाहिए, देन एंड देन ओनली द सेल कैन बी फॉर्म। ओके, मतलब गैल्वेनिक सेल फॉर्म हो सकता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ हम मूव करते हैं। आप सभी को पता है कि कैथोड में भी पॉजिटिव और निगेटिव आयन सेम होते हैं, लेकिन कैथोड पर एग्जैक्टली क्या होता है, तो रिडक्शन रिएक्शन होती है। यहां पर आप देख सकते हो रिडक्शन रिएक्शन कि मेटल जो है तो मेटल इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, मतलब रिडक्शन होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है वो जो मेटल स्ट्रिप या मेटल रॉड हमने डिप किया वहां से। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, सॉल्यूशन के अंदर निगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, कौन से निगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव आयन तो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए और कहां पर चले गए, कैथोड पर। इसके वजह से कैथोड पर जो पोटेंशियल आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कौन सा पॉजिटिव पोटेंशियल। सी हियर, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होनी है या फिर कोई भी गैल्वेनिक सेल हमें फॉर्म करना है तो क्या थोड़ा का पोटेंशियल एनोड से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल ये ज्यादा ही होना चाहिए, निगेटिव पोटेंशियल कम होना चाहिए। जो कन्वेंशनल हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एनोड टू द कैथोड, निगेटिव टू द पॉजिटिव, ये वहां पर होना बहुत जरूरी है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो डिफाइन करते इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड एंड पोटेंशियल इन सराउंडिंग सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर
आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, तो जो चार्ज इलेक्ट्रोड पर है और उस इलेक्ट्रोड को जिस चार्ज ने सराउंड किया, यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रोड पर मतलब एनोड पर यहां पर निगेटिव चार्ज है और इस निगेटिव चार्ज को सराउंड किया है पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन ने, तो मतलब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम में जो भी कुछ इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा पॉजिटिव निगेटिव के बीच में, उस डिफरेंस को मैं कहूंगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको मैं कहता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिमेंबर वन थिंग, एनोड जनरली हैज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड कैथोड जनरली हैज निगेटिव पोटेंशियल, बट रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर देर इज अ गैल्वेनिक सेल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, हाँ, अभी यहां पर ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हम रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसिडर करते हैं, एक्चुअली एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, वो तो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक द आइडिया रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गेट क्लियर। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन भी मैंने दिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल किसका, चार्ज का, चार्ज पोटेंशियल एट इलेक्ट्रोड एंड द पोटेंशियल ऑफ चार्ज इन सराउंडिंग सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द सेल पोटेंशियल। अभी हमें क्या देखना है, सेल पोटेंशियल क्या होता है। सो लेट अस सी व्हाट इज मीन बाय सेल पोटेंशियल। ओके, सेल पोटेंशियल इज जनरली रिप्रेजेंटेड एज ई ऑफ सेल और इट इज ऑल्सो नोन एज ई एम एफ। ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज मीन बाय ई एम एफ। ई एम एफ इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, नाउ सेल पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, सेल पोटेंशियल ओके इज नथिंग बट, और ईएमएफ ऑफ सेल इज नथिंग बट द पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन। ओके, और यू कैन राइट द पोटेंशियल एट एलएचई प्लस द पोटेंशियल एट आरएच। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस द पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन अराइज़ेस, सी हियर, अगर मैं यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, डेफिनेटली यहां पर ऑक्सीडेशन है एनोड पर, कैथोड पर रिडक्शन है, तो दोनों की जब मैं अलजेब्रिक सम करूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिवर्स होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो उनमें डिफरेंस ही होगा। ओके, तो यहां पर एक अलजेब्रिक सम अगर मैं करता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड की, तो मुझे जो भी कुछ वैल्यू मिलेगी दैट वैल्यू विल बी सेल पोटेंशियल फॉर अ गैल्वेनिक सेल और फॉर अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन द EMF of cell or the cell potential should be positive always. वो हमेशा क्या होना चाहिए, positive होना चाहिए, then and then only the cell is possible or cell reaction is possible or you can consider that it is a spontaneous process. ये positive होना चाहिए, but now the difficulty is that we cannot determine the oxidation potential. Okay, whatever the potential values we have, okay, or whatever the electrochemical series we have, it is द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये कन्वेंशन नहीं है कि वट एवर द पोटेंशियल इज कंसिडर्ड इट शुड बी इट शुड बी अ रिडक्शन पोटेंशियल, वो तो रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, लेकिन रिडक्शन तो सिर्फ कैथोड पर होता है, एनोड पर होता नहीं है, तो फिर एनोड पर क्या करेंगे, एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा हमें, दो द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो कंफ्यूजन है वो कैसे क्लियर करेंगे, तो वी नो दैट थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कोई भी जो रिएक्शन होती है स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो वैल्यू होती है एनर्जी की वैल्यू वही रहती है रिवर्स रिएक्शन के लिए, सिर्फ साइन क्या होता है चेंज होता है, तो वही मैं यहां पर करने जा रहा हूं। ठीक है, सेल पोटेंशियल के लिए हमारा जो टॉपिक है या फिर जो पॉइंट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है सेल पोटेंशियल। प्रॉब्लम क्या है कि जो भी पोटेंशियल है स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर रिडक्शन
पोटेंशियल, वो सारे के सारे कौन से होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल होंगे। देयरफॉर जो अभी मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं किसका, एनोड का, या फिर वहां पर जो क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन होने वाला है, तो वैल्यू तो वही रहेगी, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगा। प्रोसेस वही है। सपोज फॉर एग्जांपल जिंक का कन्वर्जन Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन में होता है, इसकी पोटेंशियल की वैल्यू है 0.763 वोल्ट। ओके, लेकिन अगर यही रिएक्शन में इस तरह से लिखता हूं Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गिव Zn, देन द पोटेंशियल विल बी माइनस 0.763। यू कैन सी द वैल्यूज आर सेम। ठीक है, ऊपर वाला जो वैल्यू मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, ऑक्सीडेशन के लिए लिखा है, और ये जो वैल्यू मैंने लिखा है ये किसके लिए लिखा है, रिडक्शन के लिए लिखा है। सो इसको मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको मैं कहूंगा रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में डी इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है और रिडक्शन में इलेक्ट्रोनेशन हो रहा है, तो वैल्यू तो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैंने साइन भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, यही कंडीशन यहां पर हम यूज करते हैं सेल पोटेंशियल के लिए, ई ऑफ सेल के लिए, जो मैंने यहां पर लिखा था। ठीक है, तो अभी मैं क्या लिखता हूं यहां पर, माइनस ई ऑफ, क्या लिखता हूं मैं यहां पर, एनोड, प्लस यहां पर क्या लिखूंगा, ई ऑफ कैथोड। अभी मैंने यहां पर माइनस ई ऑफ एनोड क्यों लिया है, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें नहीं लेना है, हमें लेना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन की जो वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस ई ऑफ एनोड लिखा है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखूंगा मैं यहां पर, ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। ओके, या फिर एक दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ई ऑफ सेल, समटाइम यू कैन राइट लाइक दिस, ई ऑफ RHE, मतलब राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड और राइट हैंड इलेक्ट्रोड, माइनस ई ऑफ LHE, दैट इज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। ये भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला, ओके, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल आपको डिटरमाइन करना है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन सेल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड दिस सेल पोटेंशियल, दिस फॉर्मूला ऑफ द सेल पोटेंशियल इज यूज टू डिफाइन, और ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, सो द सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ और द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड होगी डेफिनेशन। आई एम अगेन रिपीटिंग हियर, द सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज नथिंग बट the difference between standard potentials of cathode and anode। आपको हमेशा ही लिखना है cathode and anode, difference between cathode and anode, difference between cathode and anode। cathode का reduction potential हमेशा ज्यादा होगा, anode का reduction potential हमेशा कम होगा, if there is a galvanic cell, if there is a spontaneous process। अगर आपको कहीं पर दिया जाता है तो आपको सबसे पहले identify करना है कि एनोड कौन सा हो सकता है, क्या थोड़ कौन सा हो सकता है। सेल पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई है, ज्यादा जो वैल्यू तो वो हमेशा क्या थोड़ी की होगी, कम वैल्यू जो है तो वो हमेशा एनोड की होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी एक छोटा सा पॉइंट है रिगार्डिंग टू द सेल पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स आर नथिंग बट द रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड determined or calculated at the standard conditions। अब ये standard condition पे जो हम determine किए थे उसको हम standard potential कहेंगे। ठीक है, तो standard condition exactly होते क्या है, तो standard condition जो होते हैं ना, तो standard condition होते हैं temperature वहां पर होता है 273 Kelvin और 0 degree Celsius। ओके, प्रेशर होता है 1 एटमोस्फियर और सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वो कितना होता है, 1 मोलर होता है। आपको पूछा जाएगा व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर, टेम्परेचर शुड बी 273 केल्विन, ओके, देन द प्रेशर शुड बी
one atmosphere, okay, and then concentration of a solution should be one molar. वो कितना होना चाहिए? One molar होना चाहिए, ठीक है? And with the help of this formula, ये formula use करके हम बहुत सारे cell का जो 25 degree Celsius के लिए जो cell potential होता है, वो भी हम determine कर सकते हैं. So let us move towards the next point, that is standard cell potential. यहाँ पर मैं लिखता हूँ. कोई difference नहीं है, बस स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो होता है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डिटरमाइन किया जाता है. तो यहां पर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड इनॉट सेल. ओके, इनॉट का मतलब स्टैंडर्ड, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा है डेल्टा एच नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी, डेल्टा एस नॉट मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी, डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी. उसी तरह से ई नॉट का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ओके, तो इसको भी इजीली हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड. ओके, अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लर्न करने जा रहे हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्यों लेते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड पोटेंशियल वी कैन डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल और द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड एट एनी टेम्परेचर बाय यूजिंग द नस्ट इक्वेशन. लेकिन नस्ट इक्वेशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक है. आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होते हैं उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है? ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक. That is electrochemical series, the most important point regarding to the galvanic cell. Okay, electrochemical series. तो सबसे पहले electrochemical series का मतलब क्या है ये हम जान लेंगे. आप यहां पर देख सकते हो मैं लेफ्ट हैंड साइड में कि electrochemical series मैंने यहां पर represent की है, ठीक है? ये electrochemical series आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए, आप देख पाओगे कि electrochemical series में आप एकदम से जो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ इलेक्ट्रोड्स आपको दिए गए हैं, ठीक है? कुछ इलेक्ट्रोड्स आपको यहां पर दिए गए हैं, ठीक है? उसके बाद में इलेक्ट्रोड पर जो रिडक्शन रिएक्शन होती है, आई एम सेइंग दैट द रिडक्शन रिएक्शन जो होती है वो दी गई है, और लास्ट वाले कॉलम में उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया हुआ है. एंड ऑल दो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स आर रिडक्शन पोटेंशियल, वो सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है? और ये रिडक्शन पोटेंशियल को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलेगा द रिडक्शन पोटेंशियल की जो टॉप मोस्ट वैल्यू है वो है पॉजिटिव और जो लोएस्ट वैल्यू है वो है निगेटिव. ओके, मतलब निगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा और पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा. तो आप देख सकते हो कि ये जो सारे रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज है वो सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या होता है? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स विद देयर रिडक्शन रिएक्शन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सिंपल डेफिनेशन है, देखो क्या कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है तो एक अरेंजमेंट है किसकी? इलेक्ट्रोड्स की, ठीक है? विथ द रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिडक्शन रिएक्शन के साथ इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उससे वो अरेंज किए हुए हैं, ठीक है? इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ रूल्स होते हैं, जब हम असाइन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रीड करने के कुछ रूल्स होते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ एप्लीकेशन भी है, ठीक है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रीड कैसे करना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं. आप देख सकते हो यहां पर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो वहां से दो इलेक्ट्रोड मैं ले लेता हूं, एक की वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी की वैल्यू क्या है? निगेटिव है. तो दोनों इलेक्ट्रोड जो मैं ले रहा हूं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड में लेने वाला हूं क्लोरीन, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड में ले रहा हूं वो है जिंक. क्लोरीन में जो रिएक्शन आप देख पाते हो, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन आप देख पाते हो, रिडक्शन रिएक्शन, तो वो रिडक्शन रिएक्शन है Cl माइनस, और यहां पर जो रिडक्शन रिएक्शन आप देख पाते हो वो है ओके. तो पहली जो रिडक्शन रिएक्शन आपने देखी है उसमें क्या होता है?
Cl2 abstract electron and convert into Cl minus ion. और दूसरी जो रिएक्शन आप यहां पर देख रहे हो वहां पर आप देख पाते हो कि Zn plus 2 ion abstract 2 electrons and convert into Zn. अभी इसका जो पोटेंशियल आपको यहां पर दिया है, ठीक है, इसका पोटेंशियल दिया है 1.36. ये पोटेंशियल वैल्यू लर्न करना बहुत डिफिकल्ट है, याद नहीं कर सकते आप, ठीक है. दो एग्जाम्पल में दे रहा हूं इसीलिए टिपिकली वो सीरीज से मैंने लिया है, ठीक है. और इसका आप देख पाते हो पोटेंशियल जो है जिंक का वो दिया है -0.763, ठीक है. तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए हैं और जो रिएक्शंस यहां पर दिए ये सारे के सारे रिडक्शन रिएक्शन, ये दोनों भी रिडक्शन रिएक्शन है. और जो भी पोटेंशियल वहां पर आपको दिए गए, ऑल दीज आर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वेदर इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी निगेटिव. मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव इससे कुछ हमें लेना देना नहीं है, हमें बस इतना समझ लेना है कि जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हमें दी है वो रिडक्शन रिएक्शन है और जो पोटेंशियल हमें दिया गया है वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है. पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अभी इससे हम क्या पता कर सकते या फिर हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते, ठीक है. अगर आप देखते हो, ठीक है, इस रिएक्शन को, इस रिडक्शन रिएक्शन को आप देख पाते हो तो यहां पर आपको पता चलेगा कि रिडक्शन रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, रिडक्शन रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको दिखाई देगा नॉन मेटल और मेटल कैटायन. देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो रिडक्शन रिएक्शन आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो रिडक्शन रिएक्शन के कौन से साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, या तो नॉन मेटल ऑब्जर्व होगा या फिर मेटल कैटायन ऑब्जर्व होगा, उसके साथ में होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है. तो रिडक्शन रिएक्शन के राइट हैंड साइड में आपको क्या ऑब्जर्व होगा, नॉन मेटल ऑब्जर्व होगा, मेटल कैटायन ऑब्जर्व होगा और इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व होगा, ठीक है. नाउ अगर रिडक्शन रिएक्शन की राइट हैंड साइड में आप देखते हो तो राइट हैंड साइड में आपको दो चीजें ऑब्जर्व होगी या फिर दो फैक्टर आपको ऑब्जर्व होंगे, या तो राइट हैंड साइड में आपको मेटल एनायन मिले, सॉरी नॉट नॉन मेटल एनायन मिलेगा, मतलब निगेटिव आयन मिलेगा, या फिर कंप्लीट मेटल मिलेगा. कंप्लीट मेटल यहां पर आप देख सकते हो, पर्पजली मैंने दो इक्वेशन इसलिए लिए, ऊपर वाला जो था वो नॉन मेटल था, नीचे वाला जो था मेटल था, इसलिए पर्पजली लिए, ठीक है. तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है. अगेन इसके न्यूमेरिकल फैक्टर आप कितने भी बढ़ा देते हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू वही रहेगी, ठीक है. जो वैल्यू यहां पर आपको दी है, दिस वैल्यू इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. ये जो वैल्यू यहां पर दी है ना, तो ये किसके लिए दी है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दी है, ठीक है. ये दोनों भी वैल्यू फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दी है, लेकिन यहां से आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, देखिए द पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट, ये जो पॉजिटिव वैल्यू आपको रिडक्शन रिएक्शन में दी ना, दिस पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन टू ऑकर इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब अगर रिडक्शन रिएक्शन की या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ये इंडिकेट करती है कि जो रिडक्शन रिएक्शन आपको दी है वो उसी तरह से होने वाली है, उसकी टेंडेंसी की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होने वाली है, ठीक है. अगर आप यहां पर देखते हो कि इसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या है, निगेटिव है, सो व्हाट दिस निगेटिव पोटेंशियल वैल्यू इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट द रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू ऑकर इन अ रिवर्स डायरेक्शन. मतलब इस रिएक्शन की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में नहीं है, तो इसकी टेंडेंसी कौन सी डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में होगी, रिवर्स डायरेक्शन में होगी ये रिएक्शन. मतलब जिंक विल गेट कन्वर्टेड इनटू Zn plus 2 ion, ठीक है. और यहां पर फिर आप पोटेंशियल लिख पाओगे कितना, 0.763. लेकिन ये पोटेंशियल कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. क्यों होगा, क्योंकि रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन. लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का रूल क्या है, हमें लिखना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, इसीलिए हमें लिखने होते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ओके. और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रोड और द सब्सटेंस हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, मीन्स इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो पॉजिटिव वैल्यू हमें यहां पर दी गई वो क्या इंडिकेट करती है, कि उस सब्सटेंस की टेंडेंसी क्या है, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है, मतलब इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है. सो सच सब्सटेंसेस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है. और निगेटिव वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, निगेटिव वैल्यू इंडिकेट करती है कि ये इनकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं. मतलब दिस कैन बी एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी
टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है. अभी देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन हमें देखने हैं. एप्लीकेशन क्या है, एक छोटे से एप्लीकेशन, एक तीन चार एप्लीकेशन है, वो हम तुरंत देख लेते हैं. सबसे पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कि हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिटरमाइन कर सकते हैं. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं. बहुत ही आसान है. ठीक है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, या जिस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सो इट विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, सो इट विल बी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, सो इट विल हैव गुड रिड्यूसिंग पावर एंड इट कैन एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सपोज अभी क्या है ना, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, तो आपको एक ध्यान में रखना है. ठीक है, अगर सपोज इलेक्ट्रोड है, इसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ज्यादा है. ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन अगर इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, इसकी क्या है, कम है, तो जिसकी ज्यादा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी कम है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. पॉजिटिव निगेटिव हो, दोनों भी निगेटिव है, तो आप जान लो किसकी निगेटिव वैल्यू कम है, किसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा है, उनमें कंपेयर करो. जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी कम होगी उसकी टेंडेंसी होगी रिड्यूसिंग की. ठीक है, तो पॉजिटिव निगेटिव तो डायरेक्टली इंडिकेट ही करता है कि पॉजिटिव की टेंडेंसी क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग, और निगेटिव की टेंडेंसी क्या होती है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी होती है. ठीक है, तो दोनों पॉइंट एक ही साथ मैंने कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग. सेकेंड जो एप्लीकेशन है उसका स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. ओके, तो स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसकी स्पॉन्टेनिटी हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईओफ सेल. अभी ईओफ सेल के बारे में आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो इस सेल का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी उस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस. तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है डैनियल सेल का. ये डैनियल सेल है और मैंने आपको बताया था डैनियल सेल में उसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है. तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ईओफ सेल इज नथिंग बट ईओफ कैथोड माइनस ईओफ एनोड. तो यहां पर कैथोड कौन सा है, हमारा कॉपर, तो ये कॉपर है, ये जिंक है. ओके, तो अभी यहां पर आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वहां पर देखो, इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, 0.337 माइनस. अभी इसकी कितनी है, जिंक की कितनी है, यहां पर दी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.763. ओके, तो आप देख सकते हो यहां पर 337 ओके प्लस 0.763. ओके, अगर इन दोनों की एडिशन आप करते हो तो आपको कितने मिलेगा, पॉजिटिव 1.1 वोल्ट मिलेगा. ओके, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस. और फाइनल जो एप्लीकेशन है इसका, फाइनल एप्लीकेशन, उससे आप क्या डिटरमाइन कर सकते हो, सेल पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हो. और सेल पोटेंशियल कैसे डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो आपको जो सेल दिया गया है वो वहां पर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यूज देखिए, डिसाइड कीजिए कि कौन सा एनोड है, कौन सा कैथोड है, बस वैल्यू एड कर लीजिए, जो कुछ ऑपरेशन आपको वहां पर करने हैं, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है, और आप वैल्यू निकाल लीजिए सेल पोटेंशियल. अगर सेल पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. अगर सेल पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव, तो प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी. ओके, सो इट इज ओके फॉर टूडे.